हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू SAS क्रिएटिव ग्रुप। आज दोस्तों मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ सप्लाइन कमांड के बारे में। तो सप्लाइन कमांड का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल शो करता हूँ। जैसे आप ये देख रहे होगे ड्राइंग, ये सिविल की है। इस ड्राइंग के अंदर यहाँ पर बाउंड्री बनाई गई है, यहाँ पर ये बाउंड्री बनाने के लिए हम सप्लाइन कमांड का यूज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे कुछ और एग्जांपल है यहाँ पर, ये वाला अगर हमें ये बाउंड्री ड्रा करनी है तो हम क्या करेंगे, इस जेपेक को ऑटो कैड के अंदर ओपन करेंगे और सप्लाइन कमांड के थ्रू इस बाउंड्री को ट्रेस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर, ये भी जैसे ये यहाँ पर बाउंड्री है, तो हम सप्लाइन कमांड के थ्रू इन बाउंड्रीज को बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर इनको क्लोज करता हूँ। और जैसे आप देख रहे होगे मैंने यहाँ पर एक जेपेग इंसर्ट कर रखी है। ओके फ्रेंड्स, तो अब दोस्तों सप्लाइन कमांड समझाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल के ऊपर जाएं। यहाँ पर एक रेड बटन दिखाई दे रहा होगा आपको सब्सक्राइब का, तो इसे प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियोज़ प्रोवाइड करवा सकूँ। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे आप देख रहे होगे मैंने यहाँ पर एक जेपेग इंसर्ट की हुई है। हम स्प्लाइन कमांड के थ्रू इस जेपेग को ट्रेस करेंगे। यहाँ पर ये ऑक्टोपस है, हम इसको ड्रा करेंगे। ओके, तो स्प्लाइन कमांड हमारी कहाँ पर होती है दोस्तों, यहाँ पर ड्रा पैनल में जाएंगे हम। जैसे आप देख रहे होगे ये ड्रा पैनल हमारा, और इसके अंदर यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू के क्लिक करेंगे तो आप देख रहे होगे यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे ये रहे। ओके, तो इनमें जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन यह सप्लाइन फिट, और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, सप्लाइन कंट्रोल वर्टेक्स CV। CV की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल वर्टेक्स। ओके, तो हम सबसे पहले क्लिक किसके ऊपर करते हैं, सप्लाइन फिट के ऊपर। तो उसके बाद ये क्या पूछेगा दोस्तों, ये हमसे पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो हम फर्स्ट पॉइंट सप्लाइन का कहीं से भी दे सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो ये इमेज हमारी, तो हम इमेज को कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। ओके, और फिर बाद में ये पूछेगा नेक्स्ट पॉइंट। मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ी इमेज को। फिर ये हमसे क्या पूछेगा, नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट पॉइंट ये दे सकता हूँ, और फिर ये कंटिन्यू नेक्स्ट पॉइंट पूछता रहेगा। तो जैसे मान लिया मुझे ये थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ पे दे दिया, और फोर्थ पॉइंट मैं यहाँ पर दे देता हूँ। ओके, और थोड़ा पेन कमांड के थ्रू मूव कर लेता हूँ ड्राइंग शीट को, और फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने दे दिया ये यहाँ पर। ओके, और उसके बाद ये यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर, और फिर यहाँ पर, और फिर यहाँ पर। ओके, मैं अभी एक बार इतना ही ड्रा कर लेता हूँ। फिर क्या करेंगे, राइट क्लिक एंटर। वीडियो के लास्ट में मैं आपको पूरा डायग्राम ड्रा करके दिखाऊंगा सप्लाइन कमांड के थ्रू। अभी आपको कुछ बेसिक बताना है, तो अब मैंने एक बार छोटा सा ड्रा किया है। जैसे हमें ये लाइन दिखाई नहीं दे रही, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद बाई लेयर में जाएंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कलर दे दिया मैंने ब्लू। ओके, और ब्लू कलर के बाद में यहाँ पर जैसे नेक्स्ट ऑप्शन देख रहे होगे आप लाइन वेट, तो हम इसका लाइन वेट भी इंक्रीज कर देते हैं, थोड़ा मोटा कर देते हैं लाइन को, जैसे यहाँ पर ये 0 पॉइंट। मगर आप एक चीज़ देख रहे होगे दोस्तों, यहाँ पर मैंने लाइन वेट तो किया मगर यहाँ पर कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा। तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, लाइन वेट का ऑप्शन होता है यहाँ पर, ये हाइड और शो के लिए होता है। अगर यहाँ पर हमारा लाइन वेट का ऑप्शन ऑफ होगा, कोई चेंज नहीं दिखाई देगा इस लाइन के अंदर में। तो जैसे मैं यहाँ पर ये क्लिक करता हूँ, तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये लाइन मोटी दिखाई दे रही है। ओके, अगर आपका लाइन वेट का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो आप यहाँ पर जाकर यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो लाइन वेट को, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर इस मेन्यू में यहाँ पर है ये। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, जो मैंने सप्लाइन ड्रा की है उसको मैं कंट्रोल भी कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देख रहे होगे यहाँ पर ये वर्टेक्सेस आए हुए हैं। ओके, तो इन पॉइंट्स को मैं अगर क्लिक करता हूँ, और इसको मूव भी कर सकता हूँ किसी तरह भी। ओके फ्रेंड्स, अगर ये मान लिया मेरा लाइन से बाहर था, मुझे अगर इसको लाइन के अंदर लेके जाना है, तो मैं यहाँ से ये, ओके, तो यहाँ पर ये जैसे आप देख रहे हो थोड़ा बाहर दिखाई दे रहा है, तो इसको क्लिक करूँगा और फिर ये यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे नेक्स्ट देख रहे हो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा गैप है, तो इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, अगर मुझे मान लिया यहाँ पर एक वर्टेक्स ही है, तो उसके लिए क्या करूँ, मैं यहाँ पर 2 सेकंड के लिए होल्ड रखना है,
कर्सर को सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर, और फिर आप देख रहे हो यहाँ पर तीन ऑप्शन आ गए, इनमें मैं करता हूँ ऐड फिट पॉइंट। ओके, और ऐड फिट पॉइंट करते ही आप देख रहे हो यहाँ पर ये न्यू पॉइंट के लिए ये पूछ रहा है हमसे, तो हम न्यू पॉइंट कहाँ पर दे देंगे दोस्तों, वो यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, तो फिर ये बिल्कुल ही कर्व में आ जाएगी ये लाइन, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें ऐड पॉइंट भी कर सकते हैं और इसको थोड़ा मूव भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पर स्प्लाइन सीवी, तो अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं और स्पेसिफिक फर्स्ट पॉइंट जो पूछ रहा है मैं उसका पॉइंट यहाँ से लेता हूँ दोस्तों। ओके, और फिर नेक्स्ट पॉइंट कहाँ से लेता हूँ दोस्तों, ये यहाँ से, और फिर ये यहाँ से। अभी आप देख रहे होंगे जैसे ये सेम वैसे ही ड्रा हो रही है जैसे स्प्लाइन नॉर्मल ड्रा हो रही थी, मगर दोस्तों इनमें डिफरेंस है, वो मैं अभी समझाऊंगा आपको कैसे। यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, और ये यहाँ तक। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ तक ले लेता हूँ स्प्लाइन को, इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो यहाँ पर ये लाइन, और इसकी थिकनेस दे देते हैं थोड़ी ज़्यादा। ओके, तो आप देख रहे होगे जब मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये अलग से वर्टेक्स दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना। और जब मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा तो सारे वर्टेक्स इसके मेन जो स्प्लाइन है ये इसके ऊपर ही है, सब के सब वर्टेक्स ये, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख रहे होगे इसके बाहर है और इसके सब ऑन द लाइन के ऊपर है। ओके, हम इस स्प्लाइन को इन जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं वर्टेक्स, इनके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं इस वर्टेक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ इस लाइन को। ओके, और इसमें क्या दोस्तों, मैं डायरेक्ट लाइन के ऊपर जो वर्टेक्स है उसके थ्रू चेंज कर सकता हूँ। ओके, तो दोस्तों ये हमने किससे ड्रा किया, स्प्लाइन सीवी से, और ये किससे किया, स्प्लाइन फिट से। और मुझे मान लिया ये अगर कन्वर्ट करनी है फिट के अंदर और ये कन्वर्ट करनी है स्प्लाइन सीवी के अंदर, तो वो कैसे कर सकता हूँ दोस्तों। जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर एक डाउन एरो का निशान है जैसे यहाँ पर, ओके, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो है कंट्रोल वर्टेक्स और एक क्या दोस्तों, फिट। तो मैं क्या करता हूँ, फिट के ऊपर क्लिक करूँगा, तो जैसे ही फिट के ऊपर क्लिक करता हूँ आप देख रहे होगे ये सब के सब वर्टेक्स इस स्प्लाइन के ऊपर ड्रा हो गए हैं। ओके, और अगर मुझे इसको सीवी में चेंज करना है तो क्या करता हूँ दोस्तों, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये फिट सिलेक्टेड है, और मैं यहाँ पर कंट्रोल वर्टेक्स क्लिक करता हूँ तो ये कंट्रोल वर्टेक्स में कन्वर्ट हो जाएगी ये स्प्लाइन। तो देख रहे होगे आप जैसे ये यहाँ पर वर्टेक्स इसका ये आ गया। ओके, तो इसके थ्रू मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर एस्केप की, थोड़ा जूम इन जूम आउट कर लेंगे, तो हम इस तरह से हमारी जो स्प्लाइन कमांड है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको ये पूरा एग्जांपल शो कर देता हूँ कि हम इसको कैसे ड्रा करेंगे। जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से मैं पूरा एग्जांपल ये ड्रा करके दिखाता हूँ दोस्तों, ताकि आपको आसानी हो जाए काफ़ी पॉइंट समझने में। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ दोस्तों, स्प्लाइन फिट लेता हूँ यहाँ पर, और फिर एक पॉइंट स्टार्ट करता हूँ, फिर नेक्स्ट, बीच में मैं पेन कमांड का भी यूज करूँगा सीट को मूव करने के लिए, और साथ में मैं जूम इन जूम आउट भी करूँगा दोस्तों, ताकि मुझे आसानी हो ड्राइंग में। ओके, तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर ये स्प्लाइन ड्रा कर दी है, और मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर ब्लू, और थिकनेस दे देता हूँ थोड़ी, बढ़ा देता हूँ मैं इधर से ये इतनी। ओके, तो अब जैसे आप देख रहे हो मैंने ये ड्रा तो कर दिया है, एस्केप की दबाता हूँ, मगर थोड़ी ही जैसे यहाँ से करो ये बाहर गया हुआ है या यहाँ से ये थोड़ा सा बाहर है, इनको मैं सेटल कर सकता हूँ यहाँ से इसके वर्टेक्स से। ओके, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ
और फिर यहाँ पर 2 सेकंड के लिए होल्ड, फिर ऐड टू फिट, और उसके बाद एक नया वर्टेक्स के लिए पूछेगा कि कहाँ पर पुट करना है, तो वो नया वर्टेक्स मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। ओके, तो जैसे ये शेप आ गई दोस्तों, उसके बाद जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ इधर। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो हम इस तरह से सप्लाइन के थ्रू इसकी बाउंड्रीज जैसे है ये हमने ड्रा कर ली इस ऑक्टोपस की। ओके, और जैसे आप देख रहे हो बीच में बबल्स वगैरह ये हैं, ये भी आप सप्लाइन के थ्रू बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर दोबारा सप्लाइन कमांड लेता हूँ नहीं, उसके बाद यहाँ पर क्लिक, एक क्लिक यहाँ पर, एक क्लिक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक ये और एक ये। और एक बात का क्या ध्यान रखना दोस्तों, जब भी हम स्प्लाइन को ड्रा करेंगे तो यहाँ से ये ऑर्थो ऑफ कर लेंगे, और जो हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप है उसको भी हम ऑफ कर लेंगे, ताकि ये ऑटोमेटिकली वर्टेक्स को स्नैप ना कर सके। ठीक है दोस्तों,
ओके फ्रेंड्स, तो हम इस तरह के हमारी जो ड्राइंग है उसको ड्रॉ कर सकते हैं, या कोई भी इमेज है उसको हम ट्रेस कर सकते हैं सबलाइन कमांड के थ्रू। तो जैसे अगर मैं इसको मूव करता हूँ अब यहाँ से इस साइड, तो ये यहाँ पर, ओके, तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये हमारी ड्राइंग ड्रा हो गई है जो ऑक्टोपस की यहाँ पर थी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, एंड डोंट वरी, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग फॉर एवर। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।